दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार बेल्टोन क्या है, इसमें किस तरह से जॉब लगता है, कौन कौन सा स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, क्वालिफिकेशन क्या रखे जाते हैं, इसमें सीबीटी और टाइपिंग किस तरह से लिए जाते हैं, आपका जॉब लगने के बाद क्या काज करना पड़ता है, आपको सारी जानकारी मिल जाएंगे। बिहार बेल्टोन गवर्नमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, आपको सारी जानकारी मिल जाएंगे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको बिहार बेल्टोन के बारे में बहुत सी जानकारी मालूम होंगे, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस बनाना है। आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आपको मालूम नहीं होंगे, जैसे उर्मिला से ज्वाइनिंग लेटर क्यों प्राप्त होते हैं, बिहार बेल्टोन से पास करने के बाद उर्मिला से हमें ज्वाइनिंग लेटर क्यों मिलता है, आपको वो भी जानकारी मिल जाएंगे। बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आपको मालूम नहीं होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम सारी जानकारी आप लोग के साथ साझा कर रहे हैं कि बिहार बेल्टोन क्या है, किस तरह से जॉब लगता है, कौन कौन सा स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि बिहार बेल्टोन गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, इसके लेकर बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि ये प्राइवेट जॉब है। तो आपको बता दूँ, बिहार बेल्टोन को हम ना ही प्राइवेट बोल सकते हैं और ना ये गवर्नमेंट बोल सकते हैं, ये सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क है। बिहार बेल्टोन सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त एक संस्थान है। यहाँ पर देख सकते हैं ये भवन आपको पटना में स्थित है, बिहार बेल्टोन का भवन पटना में स्थित है और यहीं से सभी स्टूडेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्य करते हैं। बिहार बेल्टोन 5 साल या 3 साल पर वैकेंसी निकालते हैं, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई करते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के बाद उन सब का एग्ज़ाम लिए जाते हैं। आगे आप लोगों को जानकारी मिल जाएंगे एग्ज़ाम किस तरह से लिए जाते हैं, टाइपिंग किस तरह से लिए जाते हैं। एग्ज़ाम और टाइपिंग क्वालिफाई करने के बाद उसके बाद बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की मांग की जाती है, उसके बाद बिहार बेल्टोन से प्रोवाइड की जाती है। जहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की मांग रहता है वहाँ पर बिहार बेल्टोन ही एक ऐसा संस्थान नहीं है जो डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट संस्थान है जो डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोवाइड करवाते हैं, उसमें बहुत ही कम सैलरी रहता है, लेकिन बिहार बेल्टोन एक पॉपुलर संस्थान है और बिहार बेल्टोन से जहाँ पर भी डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्य करते हैं उन सबका सैलरी थोड़ा हाई रहता है। बिहार बेल्टोन में शुरुआती दौर में आप लोग को 18,000 कुछ रुपया मिल जाएंगे और लास्ट इसका 28,000, 30,000, 32,000 भी जा सकते हैं। चलिए आगे जान लेते हैं कि बिहार बेल्टोन में फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोग के पास रहना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या रखे जाते हैं। इसमें आप लोग को परमानेंट जॉब होंगे या 60 साल के होंगे या उससे पहले ही आप लोग को भगा देंगे, ये भी आपको जानकारी मिल जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बेल्टोन में जो भी छात्र रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो आपको कम से कम 12th पास होना अनिवार्य है, उसमें आर्ट्स साइंस या कॉमर्स किसी भी फैकल्टी से अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिए, 12वीं क्लास अगर पास कर लिए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। CBSE या BSE बोर्ड कहीं से भी अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 1st, 2nd या 3rd, इसमें कोई भी अगर आपने डिवीजन कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर में आपका कौन सा सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो आपको बता दूँ, 1 ईयर्स का कोर्स कोई सा भी किया है, जैसे ADCA का 1 ईयर्स का कोर्स होता है, तो अगर आपने ADCA कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और भी कोई अदर कोर्स कर रखा है अगर आपने 1 ईयर्स का उसका सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बिहार बेल्टोन में मिनिमम 1 ईयर्स का कंप्यूटर कोर्स मांगा जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना अनिवार्य है। बिहार बेल्टोन में जो हर एक साल मांगा जा रहा है और अब की साल भी मांगे जाएंगे, ये बिना डेट एक्सपायरी होना चाहिए। इसमें जो है डेट एक्सपायर नहीं होना चाहिए, डेट से पहले का होना चाहिए। जैसे जाति, आवासीय और आय, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद रेसिडेंटल सर्टिफिकेट। अगर आप 6 मंथ का बनाए हैं तो आपका 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 मंथ से पहले का होना चाहिए। देख लीजिएगा, उसका डेट एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग मोबाइल से अभी ऑनलाइन करेंगे मिनिमम आपको 15 डेज लगेगा बनने में, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करना है। आप जाति, आवासीय और आज ही अप्लाई कर देना या ब्लॉक से बनवा कर रख लेना है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट यही है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन में पीछे रह जाएंगे। ये तीनों डॉक्यूमेंट को आपको अति महत्वपूर्ण समझना है और जितना जल्द हो सके उतना जल्द आपको बनवा के रख लेना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आप लोग रजिस्ट्रेशन जो करेंगे उसमें आपका फ़ीस कितना लगेगा, क्योंकि फ़ीस को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है कि पिछले साल 1,000 लगा था तो अब की बार कितना रहने वाले हैं। आपको बता दूं, बिहार बेल्टोन अभी तक में 2 बार वैकेंसी निकाली है तो दोनों वैकेंसी में 1,000 रुपया रखा गया था। तो आपको बता दूं, अब की बार जो निकलेगा उसमें भी 1,000 रुपया रखा जा सकता है या 1,000-1,200 से भी हो सकते हैं, लेकिन 1,500 के आसपास ही रहेंगे। पेमेंट रिगार्डिंग ये ऑफिशियल आने पर पता चलेगा कि कितना हो सकता है, लेकिन 1,500 के आसपास ही रहेगा। जो भी आएंगे आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा, वैकेंसी बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेल्टोन में कितने नंबर का
एग्ज़ाम होते हैं और कौन सा बेस पे एग्ज़ाम लिए जाते हैं। आपको बता दूँ जो भी क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते। हर एक क्वेश्चन जो एक नंबर का होता है और टोटल क्वेश्चन 60 नंबर का होता है, और ये एग्ज़ाम आपके कंप्यूटर पे लिया जाएगा जिसको हम CBT एग्ज़ाम कहते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे कंप्यूटर से क्वेश्चन रहेंगे, अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन रहते हैं कंप्यूटर से रहते हैं। टोटल क्वेश्चन एक नंबर का होता है, अगर आपको इसमें पास होना है तो कम से कम 30 नंबर लाना है तभी आप पास आउट कैंडिडेट कहलाएंगे, और जितना ज़्यादा नंबर रहेगा उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन कम से कम आपको 30 नंबर लाना है। इसमें 2 नंबर का छूट भी दिया जाता है, जैसे आप 28 नंबर भी ला लेते हैं तो आप पास आउट कैंडिडेट कहलाते हैं। आगे देखिए आपको किस तरह से टाइपिंग करना है और बैक स्पेस रहेंगे वो भी जानकारी मिलेगा। वीडियो में बने रहिए पूरा तभी आपको समझ में आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेल्टोन में टाइपिंग किस तरह से लिया जाता है, क्योंकि टाइपिंग को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन रहता है कि मेरा टाइपिंग 20 का स्पीड है, 25 का स्पीड है, 50 का स्पीड है, लेकिन एक्यूरेसी जो है बहुत ही कम है, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। तो आपको बता दूँ इंग्लिश में कम से कम आपको 30 नंबर लाना है तभी आप पास आउट कैंडिडेट कहलाएंगे, और एक्यूरेसी जो है आपको 90+ रहना चाहिए तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। उसके बाद हिंदी में जो है मात्र आपको 25 का स्पीड वहाँ पर लाना है, लेकिन एक्यूरेसी जो है 90+ रहना चाहिए। आपको बता दूँ हिंदी में आप लोग कुर्ती देव फॉन्ट पे टाइपिंग करते होंगे, तो आप लोग अभी से कुर्ती देव पर प्रैक्टिस करना छोड़ दीजिए और रेमिंगटन जेल पे प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दीजिए। रेमिंगटन जेल जो कि मंगल फॉन्ट होता है, ये कुर्ती देव फॉन्ट थोड़ा अलग होता है लेकिन सेम ही होता है एक तरह से मानिए तो। ये आप लोग को रेमिंगटन जेल पे टाइपिंग करना है, अगर आप लोग फ्री सॉफ्टवेयर पर करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो में हम बताए हैं कि आप लोग को टाइपिंग किस तरह से करना है और मंगल फॉन्ट का सॉफ्टवेयर किस तरह से डाउनलोड करना है, क्योंकि आप लोग सोनी टाइपिंग परचेज करते होंगे तो आपको वहाँ पे 150 या 200 का मंथ परचेज करते होंगे तब जाके आप वहाँ पे मंगल फॉन्ट करते होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए और किस तरह से डाउनलोड करना है, सारी डिटेल उस वीडियो में हमने बताए हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको टाइपिंग में कितना नंबर आ जाते हैं तो आप पास आउट कैंडिडेट कहलाते हैं। आपको बता दूँ इंग्लिश जो है मिनिमम अब आपको 30 नंबर के पूछे जाते हैं, 30 से जितना ज़्यादा रहेगा उतना बेटर रहेगा, लेकिन आप 30 से कम लाते हैं 28 भी अगर ला लेते हैं तो वैसे से आप पास आउट कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन इसमें कंपटीशन भी होता है। अगर आपका 28 है, बहुत सारे स्टूडेंट का 30+ है तो उसी स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, तब आपको वहाँ पे 28 नंबर काम नहीं करेगा, इतना आपको समझना अनिवार्य है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद हम हिंदी में बात कर लेते हैं, हिंदी में आपको कम से कम 25 नंबर लाना है तभी आप अच्छे स्कोर से पास आउट कैंडिडेट कहलाएंगे। वैसे आपको 23 नंबर भी लाते हैं तो पास आउट कैंडिडेट कहलाते हैं, कंपटीशन भी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का ज़्यादा नंबर होंगे आपसे ज़्यादा तो उसका पहले सिलेक्शन होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। आई होप इतना तक समझ गए होंगे टाइपिंग किस तरह से लिया जाता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कमेंट आया था कि बैक स्पेस भी होता है, आपको बता दूँ बैक स्पेस जितना कम लेंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि आप 10 वर्ड लिखते हैं और उसमें 3-4 बार बैक स्पेस ले लेते हैं तो आपको 1 नंबर निगेटिव हो सकता है, इसको भी ध्यान में रखना है बैक स्पेस को। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कमेंट आ रहा था कि स्पेस भी हम ले सकते हैं, तो आपको बता दूँ जब तक आप स्पेस नहीं लेंगे तब तक आगे कोई भी वर्ड नहीं लिख पाएंगे, इसमें स्पेस जो है बिल्कुल फ्री होता है। इसमें बैक स्पेस जितना कम हो सके उतना कम आपको लेना है। इस टाइपिंग से कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप लोग हमें कमेंट भी पूछ सकते हैं। आपको बता दो इसमें आप लोग पास हो जाते हैं इसमें आप लोग को 60 साल का जॉब लगने वाले हैं और ये संविदा के आधार पर होंगे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आए थे 2-4 साल करने के बाद भगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे आप लोग को परमानेंट ही हो जाएंगे लेकिन भगाए नहीं जाते हैं। ये आप लोग को 60 साल का जॉब लगने वाले बहुत ही बढ़िया जॉब है।